Hi guys, my name is Rinku Kumar and I am from UP. Currently I live in Delhi. Basically I am a professional tattoo artist. I am a self-taught tattoo artist and मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिक टैटू के बारे में और एज ए बिगिनर आर्टिस्ट आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्या आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो उन सब की आपको मैं नॉलेज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने भी बहुत इजी वे में खुद से सीखा है, तो मैं आप लोगों को भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा सकता हूँ। वैसे तो इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, बट वो बिगिनर लेवल के लिए शायद काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये आपको पता है टैटू भी एक आर्ट है, जो कि आर्टिस्ट अपनी आर्ट को टैटू के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं बॉडी के ऊपर। मशीन, टिश्यू पेपर, वैसलीन, ब्लू सोप या फिर ग्रीन सोप और एक हेक्टो पेपर का हम यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन को ट्रेस करने के लिए, जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं। और एक लॉक्स जेली चाहिए, लॉक्स जेली हम ट्रेस किए गए डिज़ाइन को छापने के लिए या बॉडी के ऊपर या फिर स्किन पैड के ऊपर जब हम छापते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए काम आता है। इंक कैप्स और ट्रे, स्टार्टिंग में आप ब्लैक कलर की इंक की बोटल ले सकते हो जो कि बिगिनर लेवल पर सफिशेंट है। और नीडल के लिए मैं बोलूँगा बहुत सारी वैरायटी की होती है, तो आप स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाइनिंग के लिए 5 ले सकते हो और फिलिंग के लिए आप 7 मैगनम का यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं नीडल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में, आपको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करा दूँगा। एक स्किन पैड चाहिए आपको, जो कि सिंथेटिक स्किन पैड होता है। इसका यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम ड्राइंग करने के लिए पेन और पेपर का यूज़ करते हैं, तो सेम हम टैटूइंग में स्किन पैड का यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं नीडल के थ्रू, नीडल से और मशीन के थ्रू। तो स्किन पैड की यूज़ होता है टैटूइंग में। जो मैंने आपको ये सब इक्विपमेंट्स बताए, इनका मैं यूज़ डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। अकॉर्डिंग टू मी टैटू में लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर आप टैटू कर रहे हो उसमें आप शेडिंग में मिस्टेक कर देते हो, तो उसकी शेडिंग को ओवरऑल डार्क वैल्यू क्रिएट करके ओवरऑल टैटू के अकॉर्डिंग उसको आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप लाइनिंग शेकी दोगे या फिर लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी कर दोगे तो शायद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो लाइनिंग के लिए मैं आपको एक ड्रिल सजेस्ट करूँगा, जिससे आपका हैंड प्रेशर और आपका हैंड मूवमेंट और आपका हैंड स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो गाइस, आप पहले इधर लेफ्ट से राइट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो काफी सारी लाइंस, और फिर सेम इसी को आप इधर उधर ड्रॉ कर सकते हो। तो सेम आप ऐसी वर्टिकली खींच सकते हो ऊपर से नीचे को, ऐसे कुछ लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेम ही आप नीचे से ऊपर को खींच सकते हो। सो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो आप कोई फीडबैक देना चाहे या फिर कोई सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। सो गाइस, आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपको किसी सेपरेट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा जिससे आपके उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ला सकूँ।